नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है निरोगी काया। आज हम भूम्यामल की इस वनस्पति के बारे में जानेंगे, उसके गुणधर्म, कौन से व्याधियों में इसका उपयोग किया जा सकता है और इसकी सब्जी घर पर कैसे बनाएं ताकि कई सारी व्याधियों से आप दूर रह पाओगे। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे सिंपल हेल्थ टिप्स और बहुत सारे अन्य वनस्पति जो आपके आसपास मिलती है और जो आप घर पर उनका उपयोग कर सकते हैं, ऐसे कई सारी वनस्पतियों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद की सही सही जानकारी आपको मिलेगी। इस वनस्पति को भूम्यामल की इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पत्ते आंवलों के पत्ते के समान होती है और पीछे की ओर छोटे छोटे सरसों के दाने के समान फल आते हैं और इसीलिए इसे बहुपुत्रा करके भी कहते हैं। ये वनस्पति बरसात के मौसम में अपने आप ही उगती है और कार्तिक माह तक यानी नवंबर तक मिलती है और नवंबर के बाद धूप से अपने आप ही सूख जाती है, पर इसके बीज ज़मीन में पड़े रहते हैं और अगले बरसात के मौसम में ये फिर से अपने आप उग कर आती है। अब हम इसके उपयोग जानेंगे। लीवर यानी यकृत, ये यकृत को उत्तेजक करती है, यकृत का काम बढ़ाती है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। हमारी पाचन संस्था इस पर डिपेंड करती है, या यूँ कहे कि लीवर हमारे शरीर का चेक पॉइंट की तरह काम करती है। और भूम्यामल की ये वनस्पति यकृत का काम अच्छा करने में मदद करती है। लीवर के कई सारे इन्फेक्शन जैसे जॉन्डिस, फैटी लीवर या फिर लीवर इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी में ये बहुत अच्छा काम करती है। लैंसेट में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे जिसमें ये साबित हुआ है भूम्यामल की एक हेपेटोप्रोटेक्टिव है, यानी लीवर को डैमेज होने से बचाती है। स्त्री रोगम नाशयेत, अक्सर कई महिलाओं को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसके वजह से अनीमिया, पांडू या रक्ताल्पता या फिर हीमोग्लोबिन कम होना ये दिखाई देता है, तो ऐसे सिचुएशंस में भूम्यामल की बहुत अच्छा काम करती है। भूम्यामल की के पत्तों का रस अगर अनार के रस के साथ दिया जाए तो हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। साथ ही वाइट डिस्चार्ज में भी ये बहुत उपयोगी है। जीर्ण ज्वर यानी क्रॉनिक फीवर, कई दिनों तक शरीर में चलने वाले बुखार में ये बहुत उपयोगी है। पिंडी ते ब्रह्मांडी, निसर्ग में बरसात के मौसम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। कई लोगों को पित्त से रिलेटेड और कफ से रिलेटेड, वात से रिलेटेड कई सारी बीमारियां दिखाई देती है। भूम्यामल की कफ पित्तघ्न यानी कफ को और पित्त को कम करने वाली, शांत करने वाली वनस्पति है। माँ प्रकृति हम बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। जैसे बरसात स्टार्ट हो जाती है कई सारी व्याधियाँ ऊपर आने लगती है, कई सारी व्याधियों से इंसान ग्रस्त हो जाता है, जैसे बार बार बुखार आना, खांसी, जुकाम होना, कई सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, कई सारी त्वचा विकार होती है जैसे खुजली होना, बॉइल्स होना, फुंसियाँ होना। त्वचा विकार जैसे फंगल इन्फेक्शन, ऐसे केस में आप इसके पत्तों का लेप इन्फेक्शन पर लगाए बहुत अच्छे से कम होते हुए नजर आएगा। बुखार में, सर्दी या फिर खांसी में ये बहुत उपयोगी वनस्पति है। आयुर्वेद में प्रमेह के बहुत सारे प्रकार बताए हैं जिसमें पित्त मेह एक प्रकार है। इसमें आयुर्वेद अनुसार कई सारे रंगों की यूरिन हो सकती है, जैसे क्षार, नील, काल, हरिद्रा, मंजिष्ठा, रक्त, ऐसे सब वर्ण हो सकते हैं। तो ऐसे केस में यूरिन का नॉर्मल कलर लाने में ये बहुत उपयोगी वनस्पति है। साथ ही मूत्र कृच्छ यानी जिसे हम डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन कहेंगे या फिर यूरिन पास करने में कठिनाई होती है, तो ऐसे में भी भूम्यामल की बहुत अच्छा काम करती है। इसकी सब्जी कुछ इस तरह से बनाए। इसके पत्ते ले, साफ कर ले, पत्तों को गर्म पानी में डालें ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाए। प्याज, लहसुन, जीरा, हींग, लाल मिर्च, ये सब आप घी में इसका छौंका लगाएं। सावन के महीने में इसकी सब्जी ज़रूर खाएं। और जिन लोगों को पित्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना या फिर पित्त की कोई विकार है या फिर कफ की कोई विकार है, वे लोग इसे ज़रूर खाएं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये नेचुरल है, केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री है। नेचुरल हीलिंग एलिमेंट्स में भरपूर है, एब्सोल्युटली फ्री में मिलने वाली है।
आपको अगर ये कहीं सब्जी मिलती है तो आप इसे ज़रूर खाएं। इसकी कंपाउंड लीव्स हमें एक बहुत अच्छा संदेश देती है। इसकी कंपाउंड लीव्स सन रेज को रिस्पॉन्स करती है। शाम होते होते ये पौधा अपना काम ख़त्म करता है और तब पत्ते क्लोज हो जाते हैं। हमें ये संदेश देता है कि जिस तरह माँ प्रकृति समय पर अपना काम समाप्त करती है, उसी तरह चिड़िया, सूरज, प्राणी सारे अपना काम समाप्त करके आराम करने लगते हैं, उसी तरह मनुष्य ने भी अपने सारे काम खत्म कर विश्रांति लेनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको भूम्यामल की इस वनस्पति के बारे में जो जानकारी मिली है वो उपयोगी रही है। अगर हाँ तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ टिप्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।